छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में टोंडी लोहारा विकासखंड के ग्राम मारी पर ग्रामीण उद्योगिक पार्क में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में संसदीय सचिव एवं गुंदरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद, कलेक्टर कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव, जनपद अध्यक्ष जागृत सोनकर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन सम्मेलन पर पहुंचे। औद्योगिक पार्क मारी में रेडीमेड वस्त्र निर्माण यूनिट स्थापित की गई है। अतिथियों द्वारा यूनिट का अवलोकन कर क्रियान्वयन के संबंध में कार्यरत महिलाओं से चर्चा की गई। रोजगार के नए अवसर प्राप्त होने पर ग्रामीण महिलाओं ने शासन की इस योजना की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापित किया है। प्रदेश के खुशहाली पर और सबसे बड़ी बात गांव में जैन समूह के बहनी मन है, हमारे युवा साथी मन है, जैन मन कई प्रकार के काम करना है और योजना के लाभ सरकार से लेना है, तो ये रीपा के माध्यम से हर गांव में प्रयास करें। और अभी शुरुआती दौर में हर ब्लॉक में एक ठन जैन रीपा के माध्यम से ये औद्योगिक पार्क जो निर्माण चलत है, निश्चित ही ये एक क्रांति है कि गांव से व्यक्ति हो चाहे प्रतिभा हो या गांव से एक आर्थिक संसाधन के जिन बात है वो आज धरातल पे दिखत है। तो सहायता समूह के बहनी मन एक साथ लगभग 100 से 150 सिलाई मशीन चली, जिनमें हमार कुटीर उद्योग से जुड़े भाई मन है जिन्होंने बुनकर भाई मन के कपड़ा ला के वहाँ एक साथ वहाँ सिलाई के काम करें। तो निश्चित के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होंगी जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन से लेके विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग प्लांट और अदर तरीके की गतिविधि जिसके अंतर्गत कूलर और अलमीरा निर्माण आदि गतिविधियां इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, जिसके अंतर्गत अभी वर्तमान में 250 लोग कार्यरत हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसमें हमारे युवा साथी भी हैं, तो एक तरीके से जो इनका व्यक्ति की रोजगार की मंशा रहती है इनके ही ग्रामीण में उपलब्ध हो पाएगा, जिससे इनके लिए बेहतर जो स्रोत है आर्थिक आजीविका के स्रोत है वो खुलेंगे और गांव में एक बेहतर चीज देखने को मिलेगी। आज इसी के तहत यहां पर शुभारंभ कार्यक्रम किया गया। बालोद से रूपचंद जैन, सीजी विजन टीवी।